सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ओशियन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ओशियन। आज की वीडियो में हम MI TV को वॉल माउंट करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वॉल माउंट इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो फैंस, ये है वॉल माउंट किट जो कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसे भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। इसमें 32 इंच से लेके 55 इंच तक आप वॉल माउंट कर सकते हैं टीवी को। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले इसमें कुछ ये गिट्टी स्क्रूज वगैरह मिल जाते हैं हमें, और ये स्टैंड मिल जाता है टीवी के बैक साइड में लगाने के लिए, और ये वॉल पे लगाने के लिए ब्रैकेट मिल जाता है। ये कुछ इस तरह से लगेगा, ये वॉल पे लगेगा ब्रैकेट, और ये जो है ये टीवी के ऊपर लगेगा इस तरह से। ये ऊपर से खांचे दिए गए हैं इसमें, उससे ऐसे ये हैंग हो जाएगा इस तरह से ये लगेगा। अब हम इसके साथ देख लेते हैं साथ में क्या क्या आया है। इसमें साथ में आए हैं देखिए ये चार प्लास्टिक की वार्शल हैं, ये जो कि टीवी के बैक साइड में लगेंगे। वो मैं आपको लगा के बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाने हैं। ये चार ये मिली हैं गिट्टी जो कि वॉल के अंदर लगेंगी होल करने के बाद, और ये चार स्क्रू मिले हैं जो कि वॉल में लगेंगे इस तरह से। और चार ये स्क्रू मिले हैं जो कि वार्शल लगाने के बाद इसमें टीवी के बैक साइड में लगेंगे। तो ये चार वार्शल हैं। अगर आप ये वार्शल नहीं लगाना चाहते हैं प्लास्टिक का, तो वो इसे डायरेक्टली या भी छोटे वाले स्क्रू के थ्रू लगा सकते हैं। और ये दो स्क्रू मिले हैं जो कि ये नीचे की साइड लगेंगे यहाँ पे स्टैंड में, देखिए, ताकि जो है हमारा टीवी जो फिक्स हो जाए ऊपर की तरफ ना आए। और ये चार स्क्रू इसके साथ एडिशनल हैं, इनका अभी इसमें यूज़ नहीं है। हम आ गए हैं टीवी की तरफ। टीवी के पीछे की साइड देखिए, यहाँ पे चार स्क्रू के लिए दिया गया है। आप इसे अनस्क्रू कर लें और इस तरह से लगाएं। आप ये ज़रूर देख लें कि जैसे आप फर्स्ट वाला स्टैंड लगा रहे हैं होल में, उसी तरह सेकंड वाला भी लगाएं। और ये जो वार्शल है प्लास्टिक वाला, ये हमें इस नीचे की साइड लगाना है और इस पर टाइट करना है। ये आप देख सकते हैं साइड से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से लगेगा। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो वॉल से थोड़ा सा गैप हो जाए, गैपिंग के लिए लगाया जाता है, ताकि हमारी वायर वगैरह जो हैं इजीली पीछे से आ जाएं। दूसरा भी हम कुछ ऐसे ही लगा लेंगे। अगर आपको गैप नहीं चाहिए तो फिर आप इसे ना लगाएं। अब डायरेक्टली इसे टीवी के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये दूसरे वाले भी हम अनस्क्रू कर लेते हैं। अनस्क्रू करने के बाद हमें दूसरा वाला स्टैंड भी ऐसे ही लगा देना है। देखिए, हमने तीसरे नंबर पे लगाया था ये होल में, ऐसे ही हमें ये वाला लगा देना है। सेम रहे, सेम लगाएं बिल्कुल। और ये जो दो स्क्रू हैं वो नीचे की साइड लगेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये हमने अब मार्किंग करते हैं हम वॉल पे। अगर आपके पास लेवल है तो आप उससे भी मार्क देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा लगाएं। और मार्किंग करने के बाद हम इसे ड्रिल करेंगे होल को।
ड्रिल होने के बाद हमें गिट्टी जो मिली है प्लास्टिक की, ये हमें इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है। इस तरह से देखिए हमारे चारों होल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमने इसमें गिल्टियाँ इंसर्ट कर दी हैं चारों। अब जो इसके साथ ब्रैकेट आया है वो हमें वॉल पे फिक्स करना है इस तरह से। ध्यान रहे ये सही से लगाएं आप, बिल्कुल टेढ़ा ना रहे, लेवल की मदद से आप इसे बिल्कुल सीधा लगाएं, और जो स्क्रूज़ हैं वो अच्छे से टाइट कर दें, लूज़ ना रहें स्क्रू बिल्कुल भी। अगर लूज़ रहेंगे तो टीवी हिलेगा डुलेगा। ये हमने टीवी को लगा रहे हैं अब, इसे इसके ऊपर हैंग करना है ऊपर की साइड से, इजीली हैंग हो जाएगा। तो फैन जो ये है नीचे की साइड जो स्क्रू थे उसे हमें टाइट कर लेना है। टाइट इसलिए करना है क्योंकि ये बाहर को नहीं आएगा, टीवी देखिए बिल्कुल फिक्स हो जाएगा वॉल पे। तो फैंस हमारा इंस्टॉलेशन बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं वॉल पे बिल्कुल माउंट हो चुका है टीवी। आप खुद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। वैसे एमआई के साथ सर्विस फ्री मिलती है, आप करा सकते हैं आप, लेकिन जो चार्जेस है इंस्टॉलेशन का वो फ्री है और इसमें स्टैंड का चार्ज लगेगा। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पे लगाया है एक स्विच 4 पोर्ट के लिए, टीवी के लिए, टाटा स्काई बॉक्स के लिए और होम थिएटर सिस्टम के लिए। प्लान के थ्रू इसमें सप्लाई जाएगी इंटरनेट की, और हमने नीचे की तरफ यहाँ पे प्लेस किया है सब वूफर। ये फ्रेंड्स ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है, ये मैंने 2013 में परचेज़ किया था, इसलिए ये हमने यहाँ पे लेफ्ट स्पीकर लगाया है। ऊपर की साइड हमने प्लेस किया है ये सेंटर सेंटर स्पीकर, और हमने राइट हैंड साइड में लगाया है राइट स्पीकर, और बैक साइड में हमने लगाए हैं ये सराउंड स्पीकर, के वाला राइट वाला है, और ये लेफ्ट में हमने यहाँ पे सराउंड स्पीकर ऐसे इस तरह से प्लेस किया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।